सुलेमान की इंसान उसका 10 बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, दाना बेटा बाप को खुश रखता है लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है। शरारत के खजाने इबस हैं लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। खुदावंद सादक की जान को फाका ना करने देगा पर शीरों की हवस को दूरो दफा करेगा। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। वो जो गर्मी में जमा करता है दाना बेटा है पर वो बेटा जो दर्रों के वक्त सोता रहता है शर्म का बाइस है। सागर के सर पर बरकतें होती है लेकिन शरीरों के मुंह को जुल्म ढांकता है। रास्त आदमी की यादगार मुबारक है लेकिन शरीरों का नाम सर जाएगा। दाना दिल फरमान बजा लाएगा पर बकवासी अहमक पिछार खाएगा। रास्त रो बेखटके चलता है लेकिन जो कजरवी करता है जाहिर हो जाएगा। आंख मारने वाला रंज पहुंचाता है और बकवासी अहमक पिछार खाएगा। सादक का मुंह हयात का चश्मा है लेकिन शरीरों के मुंह को जुल्म ढांकता है। अदावत झगड़े पैदा करती है लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। अकलमंद के लबों पर हिकमत है लेकिन बेअकल की पीठ के लिए लाठ है। दाना आदमी इलम जमा करते हैं लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। दौलतमंद की दौलत उसका मोहकम शहर है कंगाल की हलाकत उसकी तंगदस्ती है। सादक की मेहनत जिंदगानी का बायस है शरीर की इकबालमंदी गुनाह कराती है। तबीयत पसीन जिंदगी की राह पर है लेकिन मलामत को तर्क करने वाला गुमराह हो जाता है। अदावत को छुपाने वाला दरगोह है और तोहमत लगाने वाला अहमक है। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं लेकिन होठों को काबू में रखने वाला दाना है। सादक की जुबान खालस चांदी है शरीरों के दिल बेकदर हैं। सादक के होंठ बहुतों को गिजा पहुंचाते हैं लेकिन अहमक बेअकली से मरते हैं। खुदावंद की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अहमक के लिए शरारत खेल है पर हिम्मत अकलमंद के लिए है। शरीर का खौफ उस पर आ पड़ेगा और सादकों की मुराद पूरी होगी। जब बगोला गुजरता है तो शरीर नीस्त हो जाता है लेकिन सादक अब्दि बुनियाद है। जैसा दांतों के लिए सिरका और आंखों के लिए धुआं वैसे ही काहिल अपने भेजने वालों के लिए है। खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है लेकिन शरीरों की जिंदगी कोताह कर दी जाएगी। सादकों की उम्मीद खुशी लाएगी लेकिन शरीरों की तवक्को खाक में मिल जाएगी। खुदावंद की राह रास्तबाजी के लिए पनागा लेकिन बदकरदारों के लिए हलाकत है। सादक के मुंह से हिकमत निकलती है लेकिन कजगो जुबान काट डाली जाएगी। सादक के होंठ पसंदीदा बात से आशना है लेकिन शरीरों के मुंह कज गोई से। आमीन। हालेलुया। खुदावंद के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। चर्च, इसी तरह हम इबादत के अगले मरहला में दाखिल होंगे और हम खुदावंद की सताइश करेंगे, खुदावंद की हमद व सना करेंगे। भाई जुबैर आज हमारे साथ हैं, हम इनके साथ मिलकर खुदावंद की हमद व सना करेंगे। Thank you.
सुन तू ही भला। आमीन। चर्च का वक्त है कि हम खुदावंत की जिंदा आवाज को सुने। हमने खुदावंत की सताइश की, उसकी प्रस्तुति की। वक्त है कि वो हमसे कलाम करे, वो हमसे बोले। आए हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके ताबिया करते, उससे हजूर सरेंडर करते, ताकि हम लायक तौर पर उसकी कामल आवाज को सुन सके। आमीन। थैंक यू जीसस। मैं चाहूंगा पास्टर जो इमानुएल से वो कलाम करे। खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा रुल्स के नाम से, खुदा बाप में तेरी बेटी, तेरी गलौते बेटी अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा बाप आज इस खूबसूरत वक्त के लिए, खूबसूरत सब्बत के लिए खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया कि हम एक बार फिर तेरी हजूरी में झुक सकें और तुझे सिजदा कर सकें, तुझे जलाल दे सकें। वो खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा बाप। गुजरे वक्त में तूने हमारी रहनमाई की, वर्ष में तूने हमारी रहनमाई की, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात की। खुदा बाप इस वक्त खुदा बाप मैं तेरे की मिन्नत करता हूँ खुदा, तेरे खादम के लिए खुदा, तेरे सुरमा के लिए खुदा, उनको मैं तेरे जख्मी हाथों में देता हूँ, उनको बहुत ब्लेस कर यीशु के नाम से। आज जो भी कलाम तेरी हदायत के मुताबिक वो हमसे शेयर करें, हम तक पहुंचाएं, उस कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियां बदल दें, मैं जिंदगी तब्दील हो यीशु के नाम से, हर कोई प्रॉब्लम यीशु के नाम से खत्म हो जाए, वो उस कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियां फलदार साबित हो यीशु के नाम से। हम पहले खुदा रूहानी तौर पर और बदनी तौर पर बढ़ते चले जाए यीशु के नाम से। अपने खादमों के साथ हो, उनको ब्लेस कर, सबके बालों से लेकर पांव के तले तक खुदा तेरे बेटे यीशु के लहू में सुबाते हैं। और खुदा खुदा तो अपने खादमों को ब्लेस कर, बरकत दे, अल्फाज अता कर, वो अल्फाज जो तुम उनको देना चाहते अता कर, यीशु के नाम से दुआ मांगते और पा लेते। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड गॉड। हालेलुया। थैंक यू पास्टर इमैनुएल। अब वक्त है कि हम दम की आवाज को सुने। हम ब्रदर लुईस को वेलकम करेंगे जो आज खुदावंत का कलाम, खुदावंत की आवाज हमारे साथ शेयर करने को है। लुईस। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंत की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज हमें ये तौफीक बख्शी कि हम उसके हजूर, उसके घर में उसकी शुक्रगुजारी करने वाले हों, उसकी मदद सराई करने वाले हों। क्योंकि बहुतों ने आज के सुख को देखने की उम्मीद रखी, मगर वो अब इस जहां में नहीं है, वो मसीह में सो गए। मगर हमारी जिंदगियों में ये खुदा ने शर्फ बख्शा कि हम जिंदों की जमीन पर हैं, और सबसे बड़ी बात हम उसके हजूर, उसके चरणों में हैं और उसकी आवाज को सुनने को है। इस बात के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। इससे पहले कि हम इबादत को शुरू करें, कलाम के मरहले में आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि अपने सर को खुदावंद की रसूल में झुकाएं। ऐ खुदावंद, तू जो आसमानों के आसमान में, ऐ खुदावंद समो नहीं सकता, तू जो हवा के बाजों पर सैर करता है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तुझे खुदावंद इंसान के लिए हमेशा अच्छे मंसूबे रखता है, और खुदावंद इंसान के लिए हमेशा अच्छा हिस्सा रखता है, और खुदावंद हमेशा तो इंसान को अच्छे मुकाम पर देखना चाहता है। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी हो खुदावंद तमाम उन अच्छे मंसूबों के लिए, अच्छे मुकामों के लिए जो तुम्हें खुदावंद हमें देना चाहता है। आज अपने कलाम के मुताबिक उन तमाम मकासद को, उन तमाम जगहों को, उन तमाम अच्छे हिस्सों को खुदावंद हम पर आया कर, और खुदावंद उसको समझने की तौफीक दे। बड़ी बरकत देना। यीशु मसीह के पाक जलाल और पवित्र नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन।
आज हम कलाम खुदा में से मिलकर सीखेंगे कि खुदा का हमारी जिंदगी में मकसद जो है, और खुदा हमारे लिए हमेशा अच्छे मंसूबे रखता है और हमें हमेशा अच्छी जगह पर रखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का मंसूबा हमारे जिंदगी में हमेशा मुस्बत होता है। साथ निकालिए अहदे अतीक में से पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 7-8 आयत का हम मुतालिया करेंगे। पैदाइश 2 उसका 7-8 आयत, जिसमें ये मरहूम है और खुदावंद खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। 8 आयत में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ से अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। आमीन। खुदावंद खुदा ने इंसान को तख्लीक किया। कलाम खुदा में लिखा है कि जो जमीन की हर जो खुदा ने तख्लीक की, खुदा ने जो चीजें बनाई वो उसके मुंह से जो है वजूद में आई, मगर वाहिद इंसान है जिसे खुदा ने अपने हाथों से जमीन की मट्टी से तराशा और बनाया और उसकी जिंदगी में उसके जिस्म में जो है उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शबी पर बनाया। क्यों खुदा ने इंसान को अपनी शबी पर बनाया? कलाम खुदा बयान करता है कि खुदा बाप है और खुदा रूह है और खुदा का रूह पानियों के ऊपर जुंबश करता था। और जब हम तस्लीस के बारे में सीखते हैं तो तस्लीस यहां हम पर हमें नजर आती है जहां पर खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी शबी पर बनाएं। इसका मतलब यह है और इसका मकसद यह था कि खुदा जब इंसान को तख्लीक कर रहा है तो खुदा ने उसे अपनी शबी पर बनाया इसलिए कि वो खुदा के जलाल को जाहिर करे। खुदा की खूबियां जो हैं वो इंसान में ट्रांसफर की गई। खुदा की जो सूरत है वो इंसान में ट्रांसफर की गई। खुदा देखता है, खुदा सुनता है, खुदा बोलता है, ये तमाम चीजें इंसान में मुंतकिल की गई। और जब खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो उसके लिए खुदा ने हमेशा अच्छी चीजों का इंतहाद किया। जैसे हमारा खुदा अच्छा है, खूबसूरत है, मोहब्बत करने वाला है और जलाली है और कदूस है, अपनी क्वालिटीज के मुताबिक खुदा ने इंसान को भी बाशौर बनाया, अकल दी, हिकमत दी, दानाई बख्शी और उसे अच्छी चीजों के साथ एक और अच्छी जगह बख्शी। जब उसे तख्लीक किया गया तो उसे बाग आदम में रखा। और मेरे सिसो यहां सवाल पैदा होता है कि खुदा ने आदम को बाग आदम ही में क्यों रखा? कोई और भी जगह तो हो सकती थी। इससे पहले कि हम इस बात को सीखें कि खुदा ने बागे अदन में आदम को क्यों रखा, हमें बागे अदन को जानना जरूरी है कि बागे अदन क्या है और कैसा है। जब बागे अदन के बारे में हम सीखते हैं तो मेरे अजीजों बाइबल मुकद्दस बताती है कि बागे अदन जमीन पर वो खूबसूरत जगह है, खूबसूरत मुकाम है जहां पर दुनिया की हर चीज मौजूद है, जहां पर बहुत से दरिया बहते हैं, वहां से निकलने वाले दरिया मुख्तलिफ हिस्सों में चले जाते हैं, वहां पर हर तरह की चीज मौजूद है, खाने से मुतलका हर चीज वहां पर मौजूद है और वहां से हर चीज से आदम मुस्तफिद हो सकता है। वो सारी अच्छी चीजें खुदा ने बागे आदम में रखी। मेरे अजीजो बागे अदन एक खूबसूरत मुकाम है जो खुदा ने जमीन पर तख्लीक किया। और मेरे अजीजो वहां पर
खुदा ने आदम को रखा क्योंकि खुदा हमेशा आदम के लिए अच्छे मंसूबे रखता है और अच्छी चीजें खुदा आदम को देना चाहता है। और मेरे अजीजो वहां कोई बदी नहीं थी, इसलिए खुदा ने आदम को बागे अदन में रखा कि वहां पर कोई बदी नहीं थी, वहां पर सिर्फ सुकून ही सुकून था, शादमाने ही शादमाने थी। यहां तक कि खुदा आसमान को छोड़कर बागे अदन में आदम के साथ आता, बैठता, महवे गुफ्तगू होता और वो लुत्फ अंदोज होते, क्योंकि खुदा आदम के लिए हमेशा अच्छी चीजों का इंतहाब करता है। मेरे अजीजो बागे अदन मुकम्मल तौर पर खूबसूरत जगह थी जो खुदा ने आदम को दी और वहां पर खुदा की हुजूरी होती। जब खुदा अदन में बागे अदन में आदम से मिलने को आता तो वहां पर खुदा की हुजूरी होती, वहां पर आदम उस सुकून को महसूस करता, वहां के हर दरख्त का फल वो खाता, हर बरकत से वो फायदा उठाता, क्योंकि खुदा ने आदम के लिए अच्छे मंसूबे रखे हैं। वो तमाम बरकतें खुदा ने जो बागे आदम में रखी वो आदम के लिए थी, इसीलिए आदम को खुदा ने बागे आदम में रखा। खुदा हमेशा ही इंसान के लिए अच्छे मंसूबे रखता है। मगर मेरे अजीजो जब खुदा ने आदम को और हवा को बागे आदम में रखा और तमाम अच्छी चीजों पर इख्तियार बख्शा तो मेरे अजीजो वहां पर एक ऐसा अमल सरंजाम होता है जिसकी वजह से गुनाह आदम की जिंदगी में आता है और उसे कहते हैं नाफरमानी। और वो नाफरमानी आदम के लिए बहुत महंगी पड़ी, उसे आदम और हवा को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। खुदा जो पाक है और वो जिसकी आंख बदी को देख नहीं सकती, जब आदम ने ये नफरमानी की तो गुनाह आदम की जिंदगी में दाखिल हो गया और मौत आदम में दाखिल हुई और आदम हमेशा के लिए उन अच्छी चीजों से महरूम हो गया जो खुदा ने उसे बागे अदन में बख्शी थी। आज इसी तरह हम भी बहुत से उन अच्छी चीजों से, बरकतों से महरूम रह जाते हैं जो खुदा हमें देना चाहता है, इसलिए कि हम खुदा की खुशनुदी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं मानते। आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। हमारी जिंदगी में चाहे मुश्किलात आए, चाहे परेशानियां आए, दुख आए, तकलीफ आए, मेरे अजीजों हम कलाम से नहीं हट सकते। अगर हम कलाम से हटते हैं तो हम उन तमाम अच्छी चीजों से और खुदा के अच्छे मंसूबों से जो खुदा हमारे लिए रखता है महरूम रह जाते हैं, जिस तरह आदम ने नाफरमानी की और वो अच्छे मंसूबों से और अच्छी बरकतों से महरूम हो गया। हमें मुश्किल का सामना करना है, चाहे जितनी बड़ी मुश्किल हमारे सामने हो, हमने कलाम से हटना नहीं, खुदा के नाम से हटना नहीं, ताकि हम अच्छी बरकतों को हासिल कर सकें। बाइबल मुकद्दस बहुत सी ऐसी मिसालें बयान करती है जिससे हमें पता चलता है कि खुदा के लोगों ने किस तरह मुश्किलात को बर्दाश्त किया, दुख बर्दाश्त किए, परेशानियां बर्दाश्त की, यहां तक के मौत को बर्दाश्त किया, मगर खुदा के इलाही मंसूबों से नहीं हटे, खुदा के जो मकासद थे उनकी जिंदगी में उनसे नहीं हटे और उसकी वजह से वो खुदा के पसंदीदा लोग ठहरते हैं। और मेरे अजीजों उसी वजह से खुदा की बरकतें और खुदा के अच्छे मंसूबे उनकी जिंदगियों में भी पूरे होते हैं। हमें बहुत सी मिसालें कलाम खुदा में ऐसे नजर आती हैं जो खुदा के मंसूबों के मुताबिक थे, उन्हें खुदा की बरकतें जो हैं मौसूल हुई, मगर जो खुदा की मर्जी के खिलाफ चलते थे वो उन खुदा के मंसूबों से और बरकतों से महरूम रह गए। अगर हम कलाम खुदा की रोशनी में सीखें तो हमें यूसुफ की मिसाल देती है।
यूसुफ जो अपने भाइयों में सबसे छोटा था, उसके भाइयों ने उसे मारने का मंसूबा बनाया। जब उसे मारने का मंसूबा बनाया तो खुदा जो उसके जिंदगी में हमेशा अच्छी चीजें लेके आना चाहता है, वो जो खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, वो जो खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में रखता है, उसके लिए जब उसके भाइयों ने उसे मारने का मंसूबा बनाया तो खुदा ने उसके लिए दूसरा मंसूबा तैयार कर लिया। इसका मतलब है कि जब कोई आपका दुश्मन आपको मारना चाहता है और खुदा आपके साथ है और आप खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो मेरे अजीजों ये बात इस कहानी से साबित होती है कि खुदा आपके लिए नए रास्ते खोल देता है और नई अच्छी चीजों से आपको जो है आसुदा करता है। यूसुफ के भाइयों ने जब हम पैदाइश उसके 37 बाब की तिलावत करते हैं, इस पर स्टडी करते हैं, तो हमें मुख्तलिफ आयात में यूसुफ की जिंदगी के मुश्किलात के मराहल नजर आते हैं। मेरे अजीजों पैदाइश 37 बाब की जब 18 आयत का मुताला करते हैं तो उसमें नजर आता है कि उसके भाई उसे कत्ल करने के मंसूबे बनाना शुरू करते हैं। वो चाहते हैं कि इसे मार दिया जाए, वो चाहते हैं कि इसे कत्ल कर दिया जाए। और जब हम 24 आयत तक पहुंचते हैं तो वहां पर वो उसे घड़े में फेंक देते हैं ताकि वहां पर वो मर जाए, मगर खुदा उसके साथ है, वो खुदा के साथ है, वो खुदा के मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है और खुदा ने वहीं पर उसके लिए एक नया रास्ता, एक अच्छा मंसूबा तश्कील दे दिया। और वो अच्छा मंसूबा ये था कि जब हम 27वीं आयत तक पहुंचते हैं तो 27वीं आयत में हमें नजर आता है कि इस्माइलियों का एक गिरोह मिस्र की तरफ रवाना हो रहा था और उसके भाइयों ने चाहा कि उसे मारने की बजाय इस्माइलियों के हाथ बेच दिया जाए ताकि उसे उससे उनको कुछ पैसे मिलेंगे और हमारा भाई भी जिंदा रहेगा मगर हमारे दरमियान में नहीं रहेगा। मगर मेरे अजीजों खुदा का इसके पीछे खास मंसूबा था, खुदा उसे बचाना चाहता था क्योंकि खुदा उसे सरफराज करना चाहता था। उसकी वजह यह थी कि वो खुदा की खुशनुदी चाहता था। और मेरे अजीजों जब हम आगे उसे देखते हैं उसके 41 बाब और उसकी 39 से 40 आयत का जब हम मुतालिया करते हैं तो उसमें खुदा उसे सरफराज करता है, खुदा उसे कामयाबी बख्शता है, इवन कि खुदा उसे पूरे मिस्र का बादशाह बना देता है, यहां तक कि वहां का जो मालिक होता है वो कहता है कि मैं बुजुर्ग होने की वजह से ही जो है बादशाह हूं मगर सारा कंट्रोल तेरे पास है। यूसुफ जिसे उसके भाई मार देना चाहते हैं खुदा उसे मिस्र का हाकिम बना देता है। मैं चाहता हूं कि हम इसका मुताला करें, पैदाइश उसका 41 बाब और उसकी 39 से 40 आयत है। अगर किसी को मिल गया है तो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है, अदरवाइज मैं खुद ही इसे तिलावत करता हूं। 41 बाब की 39 से 40 आयत। लिखा है, और फराउन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है इसलिए तेरी मालिक दानिशवर और अकलमंद कोई नहीं, सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी राया तेरे हुक्म पर चलेगी, फकत तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्गता हूंगा। आमीन। मेरे अजीजों उसके भाइयों ने उसे मारने का मंसूबा बनाया, यहां तक कि वो मिस्र में कैदी की सूरत में दाखिल हुआ, मगर उसके अंदर खुदा का खौफ था और वो खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता था। फिर खुदा ने मिस्र की कैद में से उसे निकाला और मिस्र का हाकिम बना दिया।
खुदा उसके लिए अच्छे मंसूबे रखता था, खुदा उसके लिए बरकतें रखता था। इस बात को भूल जाएं कि आपकी जिंदगी में कौन सी परेशानियां आ रही हैं, कौन सी मुश्किलात आ रही हैं, किन मसाइल का आप सामना कर रहे हैं। इस बात को आप ज़हन में रखें कि आपका खुदा इससे बड़ा है और खुदा आपके लिए अच्छे मंसूबे रखता है और खुदा जानता है कि वो मंसूबे आपकी जिंदगी में कैसे पूरे करने हैं, उन बरकतों को आपकी जिंदगी में कैसे लेके आनी है। अभी हमने इसी हवाले में सीखा है कि खुदा ने हर मुश्किल में उसे कामयाब किया है, उसकी जिंदगी को बचाया है और उसे सरफराजी बख्शी है। इसी तरह जब हम मूसा की बात करते हैं तो मूसा की भी पैदाइश के वक्त लोगों ने उसके फिराउन ने चाहा कि वहां के सारे बच्चों को मार दिया जाए। मिस्र की पैदाइश के वक्त मूसा की पैदाइश के वक्त इसराइलियों के दरमियान रोना और आगो नारा सुना गया। उस वक्त के हाकिम ने उस वक्त के बच्चों को कत्ल कर दिया। जब मूसा की पैदाइश हुई मगर खुदा मूसा के लिए एक खास मंसूबा रखता था कि वो बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से रिहाई बख्शे और खुदा ने मूसा और इसराइल के लिए अच्छा मंसूबा बनाया और अच्छी चीजों का इंतहार किया। मेरे अजीजों, मूसा को बचाने के लिए बहुत मेहनत की गई, बहुत ज्यादा कोशिशें की गई। और मेरे अजीजों, जिस मूसा को मारने के लिए उस वक्त के हाकिम ने कोशिश ये की, खुदा ने उसी की सल्तनत में, उसी की राय में, उसी के जो महल में उस मूसा की परवरिश कर डाली। ये एक आम आदमी के बस की बात नहीं है और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी को मारने की कोशिश करूं और वो मेरे ही घर में तरक्की पाता हो, मेरे ही घर में वो कामयाबी हासिल करता हो। मगर मेरे अजीजों, खुदा ऐसा करने पर कादिर है। खुदा ने मूसा को उसी के दुश्मन के घर परवरिश पाने की जो है हिम्मत बख्शी और खुदा ने मंसूबा बनाया और उस मंसूबे के तहत वो मिस्र के बादशाहों में शामिल किया गया। मेरे अजीजों, वो जिसे बादशाह मारने के पीछे लगा हुआ है, खुदा ने उसी को उसे बचाकर उसी महल में बादशाह की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। ये है खुदा के मंसूबे, ये है खुदा के वो अच्छे हिस्से जो खुदा अपने लोगों को देना चाहता है, जो खुदा अपने मुकद्दसों को देना चाहता है। शर्त यह है कि हम अच्छी चीजों का इंतहाब करें, शर्त यह है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, तब वो अच्छी बरकतें और वो अच्छे बरसाने हमें मिलेंगे। इसके साथ जब हम इब्राहिम की बात करते हैं तो जब इब्राहिम अपने आबा अजदाद अपने रिश्तेदारों को खुदा के लिए छोड़ता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता कि वो कहां जाएगा, किस जमीन में जाएगा। उसके साथ उसका भतीजा लूत उसको फॉलो करता है, उसके पीछे चलता है। मेरे अजीजों, एक वक्त आता है कि यहां पर भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब तक लूत इब्राहिम के साथ खुदा की मर्जी के मुताबिक वाला किस्सा जमीन खुदा की मर्जी के मुताबिक
उस सरजमीन की तरफ गामजन रहते हैं तो उनकी जिंदगियों में बहाली रहती है, उनकी जिंदगियों में कामयाबी रहती है और अच्छे हिस्से जो खुदा की तरफ से मखसूस किए गए हैं उनकी जिंदगी में आते रहते हैं। मगर एक वक्त आता है कि लूत अपने जो है अंकल जो है इब्राहिम उसके खिलाफ और खुदा की आवाज के खिलाफ चला जाता है। वो कहता है कि मैं अपने आप बदलना चाहता हूं। मगर अब्राहम जिसके साथ खुदा का वादा है, खुदा के मंसूबे हैं, मेरे अज़ीज़ों वो उसे आसाद रखता है। वो कहता है देख मेरे भतीजे तेरी मर्जी है तू कहां जाना चाहता है, दाएं या बाएं, आगे या पीछे, जिस सिंत को तू जाएगा मैं उस सिंत के मुहालिफ सिंत चलूंगा। यहां तक कि इब्राहिम को नहीं पता कि कौन सी सिंत उसके लिए महफूज है, कौन सी सिंत जो है उसके लिए और उसके घराने के लिए फायदेमंद है। मगर मेरे जीजो उसे इतना पता है कि उसका खुदा उसके साथ है और उसके खुदा के उसकी जिंदगी में और उसके खानदान के लिए अच्छे मंसूबे हैं। सिर्फ वो खुदा की तरफ आंख लगाए हुए हैं और खुदा उसके लिए अच्छी राह का इंतजाम करता है। जब दूसरी तरफ हम लूत की तरफ नजर करते हैं तो मेरे अज़ीज़ो लूत जो है सदूम और हमोरा की सिंत का इंतजाम करता है जहां पर ऐसा गुनाह है जो गुनाह आसमान तक पहुंचता है और खुदा को उस जगह की बड़ी नजर आती है। और एट द एंड आखिर पर मेरे अज़ीज़ो उसे नेस्त नाबूद करना पड़ता है। मगर गो के इसके बावजूद लूत जो है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक और खुदा का जो है वो वफादार रहता है, खुदा उसे बचा लेता है। मगर कहने का मतलब है कि खुदा इंसान के लिए हमेशा अच्छे मंसूबे रखता है। जिस तरह खुदा ने आदम को अपनी शबीह पर बनाया और उसे अच्छी तरह से खूबसूरत बाग अदन में रखा, जिस तरह खुदा ने यूसुफ के लिए अच्छे मंसूबे बनाए और उसे मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया, जिस तरह खुदा ने मूसा के लिए उसकी जान को बचाने के लिए ऐसे अच्छे मंसूबे तश्कील दिए, इसी तरह खुदा हमारी जिंदगियों में भी खास मंसूबे रखता है। खुदा हमारी जिंदगियों के लिए भी अच्छे हिस्से रखता है। अब हम पर यह मुनासर है कि हम उन अच्छे हिस्सों को किस तरह हासिल करते हैं। आज हमें इस बात पर सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह उन अच्छे हिस्सों को हासिल कर सकते हैं जिन हिस्सों अच्छे हिस्सों को यूसुफ ने हासिल किया, उनके मुकद्दसीन ने हासिल किया। आज हम उसकी खुशनुदी को हासिल करके उसकी मसी को बचा लाकर उन बरकतों को हासिल कर सकते हैं, उन अच्छे हिस्सों को हासिल कर सकते हैं जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किए हैं। सो खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन।